please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुनिया के सामने हिंदू और मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बेशक एक दूसरे के खिलाफ आग उगलें, लेकिन लोगों की नजरों से दूर इनकी यारी के जाम छलकते हैं। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन की ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीर में एक मौलाना भगवाधारी साधु को शराब परोस रहे हैं। कौन है ये दोनों? कहाँ की है ये तस्वीर? क्या मौलाना और साधु की मैनोशी की ये तस्वीर सही है? हिंदू मुसलमान की बातें तो सिर्फ लोगों के दिलों में जहर घोलने के लिए हैं। हकीकत में तो धर्म के ये ठेकेदार एक दूसरे से गलबहियां करते नजर आते हैं। ये तस्वीर उसी जिगरी दोस्ती का सबूत है। मौलाना साहब साधु महाराज की प्यास मिटाने के लिए उन्हें शराब का जाम परोस रहे हैं। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने 6 दिसंबर को ये तस्वीर ट्वीट की थी, मगर इसके बाद व्हाट्सएप पर ये तस्वीर चुटकुला बन गई। इस तस्वीर के साथ भेजे गए मैसेज में कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला की एक लाइन है, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। लेकिन तस्वीर में आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? गिलास में जा तो शराब रही है, लेकिन कमाल है कि गिलास का रंग पानी जैसा दिख रहा है। माजरा समझे आप? हुआ ये है कि मौलाना के साधु को शराब परोसती ये तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप की करामात है। मौलाना साहब साधु जी को परोस तो किनले का स्वच्छ पानी रहे हैं, लेकिन एडिटिंग करके किनले की बोतल की जगह शराब की बोतल रख दी गई है, कुछ इस तरह। हालांकि तस्वीर के फर्जी साबित होने के बाद तस्लीमा नसरीन ने अपना पोस्ट हटा लिया, लेकिन जिस तस्वीर को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मजाक बन गई। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में मौलाना के साधु को शराब परोसने की वायरल तस्वीर गलत साबित हुई है।